पानी अपन को नहीं रोक सकता गाइस, अपन पानी को रोक देंगे, देखना। अभी मेरे को लग रहा 15-16 का एवरेज दे रही है इस वक्त। यहाँ पे रुकते हैं गाइस अपन। ये देखो भाई, निकल ही रहे थे और कुछ ऐसा देखने को मिला। ये देखो भाई, पानी गिरने लगा। अब थोड़ा रुकना पड़ेगा और अब ऐसा लग रहा है कि ये बादल बहुत जोर से बरसने वाले हैं। पानी गिरने लगा गाइस। आज मैं जाता हूँ, अच्छा से रेनकोट लूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। और अपना एक पार्सल भी आ गया है अमेजोन से, जो हमने मंगाया था प्रीवियस वीडियोस में, आप लोगों ने देखा होगा भाई। अपने पार्सल आ रहे हैं, अपन जो ट्रिप करने वाले हैं उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं अपन। तो ब्लैडर तो आ गया था गाइस, अब आ गया है उसका बैग, हाइड्रेशन बैग। तो वो आप लोगों को दिखाऊंगा अनबॉक्स करके, अभी तो पैक ही रखा है, आज ही आया है। चलो निकल चलते हैं यार। सो रेसर 4, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पानी गिरने लगा है और हमने जीटी को दिया है कोल स्टार्ट। आज ये फिर से भीगने वाली है, वैसे भी ये गंदी है और मैं तो अपना काम चला ही लेता हूँ भाई, मुझे तो आ जाते भीगने की। बाकी आप लोग देखो भीग रही है ये, पानी भी गिरने लगा है। सो रेसर 4 हल्की फुल्की हो रही है बारिश और तुम्हारा भाई कर रहा है राइड। बाय 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 छोटे भाई, बाय। क्या पानी गिर रहा है भाई, कल भी भीगा हूं। ये देखो भाई, एबीएस का पावर है, मेरा नहीं है, एबीएस का, एबीएस का। पानी अपन को नहीं रोक सकता गाइस, अपन पानी को रोक देंगे, देखना अभी बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। भाई ये पेट्रोल कितना पी रही है यार, मेरे को लग रहा 15-16 का एवरेज दे रही है इस वक्त। पानी तेज है यार। चलो यहाँ से चलते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, वहाँ पे सारे लोग रुके हैं, लेकिन इतने से पानी में क्या रुकना अब। और गाइस जिनको ऐसा लगता है गोप्रो वाटर प्रूफ नहीं है क्या भाई आपका, जो आप पानी में रुक जाते हो या मोटर व्लॉग नहीं करते हो, तो भाई देखो इसमें केस लगता है तभी जाके ये फिट होता है हेलमेट में। तो वो केस लगने की वजह से ये वाटरप्रूफ नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना वो निकल के जो केस का ढक्कन है वो लगाना पड़ता है, तो पानी इसमें जा सकता है भाई। जो अंदर के इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, कोई भी गैजेट हो, अभी तक ऐसा गैजेट मैंने नहीं देखा है, मुझे मालूम नहीं अगर हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से आईफोन हो चाहे कुछ भी हो, सब में भाई ऐसी शील्ड होती है जिससे पानी अंदर नहीं जाता, बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ कभी निकलती है फ्यूचर में फिर तो भाई कोई डर ही नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट्स ही जब वाटरप्रूफ हो जाएंगे सारे तो फिर किस चीज़ का डर। हर हर महादेव, जय श्री राम। देखो भाई कितना तेज है, हाँ अब यहाँ पर रुकेंगे अपन। और कपड़े भी मैं जो कल पहना था ना वही पहन के निकल गया था, कि मेरे को मालूम था पानी गिरेगा। यहाँ पे रुकते हैं गाइस अपन। क्या पानी गिर रहा भाई, चलो चले थोड़ा सा भीगेंगे और क्या होगा। बाकी गाइस एक चीज़ तो समझ में आ गई, जो भी कंट्रोल्स वगैरह लगे हैं ना, स्विचेस वगैरह, सारे वाटर प्रूफ है। बरसात में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन इसमें फ़ोन लगा के देखा नहीं है चार्ज करके, क्योंकि अभी गाड़ी 4-5 बार भीग चुकी है अच्छे से एकदम। और एक प्रॉब्लम मुझे लाइट्स में आ रही है, कभी कभी जब मैं इनको चालू होते हुए इग्निशन बंद करके चालू करता हूँ तो इसमें अलग कलर जलता है, इसमें अलग, ऐसा हो रहा है। बाकी फिर वो सही भी हो जाता है, देखो अभी देखो अलग अलग कलर जल रहा है, जैसे कि ऐसा भी हो रहा है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है ब्रो, कहीं गिरता है पानी कहीं नहीं गिरता है। और मैं बता रहा हूँ जब मैं पानी में भीग रही थी ना इससे धुआं निकल रहा था, मैं घर से बस चालू करके आया हूँ, एक किलोमीटर भी नहीं आया हूँ, और जब तक पानी गिर रहा था भाई हल्का हल्का धुआं छोड़ रही थी। अब सोच लो जीटी कितना हीट होती है,
बहुत हीट होती है भाई ये। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर जीटी की कुछ है ना, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा अब जो भी कह लो इसको, ये गाड़ी हीट तो इतना ज्यादा होती है कि अगर ठंड है ना बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा चलाने के बाद इसके इंजन के पास खड़े हो जाओ, आपको बढ़िया गर्मी फील, गर्मी का एहसास दे देगी ये गाड़ी, बहुत हीट होती है भाई। रेसर फोर्स, मैं एक मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। देखो अभी गिर रहा है पानी, ठीक है, रोड्स गीली होती है, पानी भरा होता है, तो बहुत सारे लोग ना गाड़ी तेज चलाते हैं, तेज चलाते हुए निकलते हैं, तो बरसात में ना भाई जितनी भी तुमको जल्दी हो छोड़ दो भाई, ऐसा करना तुमको जितनी भी जल्दी हो, तुमको गिरने की तो जल्दी नहीं है ना भाई, तो बरसात में ना जितना हो सके ना आराम से चलो, धीरे धीरे चलो ताकि जो सामने वाला है उसको नुकसान ना पहुंचे। अभी देखो मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, मैं भी चाहूँ तो बहुत तेज भगा सकता हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ, अभी दो तीन लोग निकले तेजी में भाई, पूरा कीचड़ जो पानी पड़ा होता है ना रोड में पूरा उछटाते हुए मेरे ऊपर भाई। ये सब चीज़ें मत करो यार, और कार वालों का तो छोड़ ही दो, कार वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी का ऊपर पानी चले जाए, किसी का मुंह पानी से भिड़ जाए या किसी के पूरे शरीर में पानी भिड़ जाए, बहुत तेजी से निकलते हैं, तो भाई प्लीज ऐसा नहीं करो यार, तो सबके बारे में सोच के कोई भी काम करो, आराम से चल लो बरसात में भाई। और जो तुम तेजी तेजी में चल रहे हो ना, गलती से तुम गिरे ना, तुम्हारी कार स्लिप हुई, तुमने किसी को भेड़ मार दिया, तो भाई फिर तुमको सफर करना पड़ सकता है। आज का इंसान भाई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है, जल्दी किस बात की इतनी, तुम्हारा भाई भगाता है लेकिन देखो पानी में, देखो ऑटो वाला क्या करेगा ये देखो। अरे यार अच्छा नहीं लगता यार ये सब यार देखने में, मेरी वजह से किसी का भी नुकसान नहीं होगा, देख लो तुम, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी, मैं भाई काम ऐसा करता हूँ, तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान पहुँच रहा है तो भाई क्या मतलब तुम्हारे होने का भाई, तुम्हारे होने से तो अगले की हेल्प होनी चाहिए, अगले को मतलब फायदा होना चाहिए अगले का कि हाँ यार इस बंदे की वजह से मेरा ये काम हो गया है कि नहीं ब्रो। यहाँ पानी नहीं गिर रहा है देख लो, ये है कुदरत का करिश्मा, ये देखो भाई धूप देखो, अब क्या खतरनाक धूप निकली है, ऐसा लग रहा सालों से बारिश ही ना हुई हो, और अब भी 5 मिनट पहले देख रहे थे ना वहां पे कैसा मौसम था भाई, जब तुम देखो प्रकृति थोड़ी देर पहले पानी गिर रहा होता है ऐसा लगता है, काले काले बादल होता है ऐसा लगता है कि पानी रुकना ही नहीं, और आगे धूप निकल जाती है, तो भाई तो इंसान पे कैसे कोई भरोसा कर देता है भाई, जब मौसम पल पल में बदल सकता है तो फिर इंसान की तो छोड़ ही दो। और जो लोग बोलते हैं ना इसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, भाई तो गलती तो सबसे पहली तुम्हारी है, तुमने भरोसा किया ही क्यों, ना तुम भरोसा करते ना वो चीज़ धोखा होती, और हर इंसान तुम्हारी लाइफ में परमानेंट नहीं रहने वाला भाई, हर कोई तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रहेगा, ये चीज़ को एक्सेप्ट करो भाई और मौज करो लाइफ में, समझे, कोई आता है तो कोई जाता भी है, और कोई भी हर कोई यार, हर कोई तुम्हारी लाइफ में परमानेंट थोड़ी है, जो तुम्हारे साथ एक बार आ गया वो हमेशा थोड़ी रहना है, तुम खुद सोचो, खुद को देखो, खुद को रखो उस जगह, क्या तुम 5 साल पहले किसी के साथ थे, कोई तुम्हारा दोस्त था, क्या आज भी तुम लोग साथ हो, भाई सबकी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने अपने में लग जाते हैं भाई, एक समय रहता है हर एक चीज़ का, और वो समय जाता है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो भाई मौज करो लाइफ में, मैं तो यही कहूँगा, इंजॉय करो एक एक दिन को, एक एक पल को, क्या धूप है बॉस, देख रहे हो धूप, सब सूख जाएंगी रोड्स, ये गाड़ियाँ भी चल रही हैं और ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, और बहुत सही किया मैंने जो घर से निकल गया, नहीं तो मैं बैठा होता पानी रुकने का वेट करता रहता, मैंने कहा निकल ही जाओ यार पानी कहीं गिरेगा तो रुक जाएंगे, क्या धूप निकली है यार यहाँ पे, बाकी ये बताओ आप लोगों को ये मौसम कैसा लग रहा है, इधर देखो धूप है, इधर के बादल देख रहे हो और इधर के बादल देखो, गजब लग रहा है भाई, दोनों साइड अलग अलग बादल है, उधर अलग है, इधर देखो इधर अलग है। गाइस मैं तो जा रहा हूँ घर की ओर, पानी यहाँ पे नहीं गिर रहा है लेकिन कोई ठीक नहीं है, कब पानी गिरने लग जाए, और मेरे को भीगना नहीं है यार, मैं व्लॉग बनाने निकलता हूँ और पानी गिरने लग जाता है, अब मैं जाऊँगा घर, अगर मैं बाहर रहता ना ज़्यादा देर फिर कोई ठीक नहीं है, कब तक फंस जाऊँ मैं, पानी गिरेगा, और कई लोग बोलेंगे भाई रेनकोट कैरी करो, भाई रेनकोट कैरी तो कर लूँगा लेकिन पानी गिरेगा तो फिर मैं व्लॉग भी तो नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो व्लॉग बनाना है भाई, समझ रहे हो ना, पानी गिरता तो मैं वैसे भी भीगता नहीं हूँ क्योंकि कैमरे भी बजाने होते हैं, मैं रुक जाता हूँ, अब देखो कब तक ऐसा होता है, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता ना तो व्लॉग बना लेते हैं यार, अभी तो ऐसा हो नहीं पा रहा है, बाकी मिलते रहेंगे आप लोगों से अगली वीडियोस में, तो उसके लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जो भी भाई लोग नए रेसर फोर्स में हो जाओ ऐड, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाओ और बेल आइकन को करो ऑन,
मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।